मैंने आपको पहले ही कह दिया, ये सवाल मेरे से हजार बार हुआ और मैंने कहा कि मैंने अयोध्या आंदोलन में भागीदारी की है और मैं उस भागीदारी के लिए हमेशा ही अनअपोलॉजेटिक रही हूँ, अनरिपेंटेंट रही हूँ। नो, व्हाई शुडंट आई स्माइल, व्हाई शुड आई रिग्रेट फॉर माई लाफ एंड स्माइल। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसने के लिए और मुस्कुराने के लिए किस बात के लिए रिग्रेट करूँ। ओके, क्या लगता है आपको कि जो विध्वंस हुआ उसमें जिस तरीके की एक पिक्चर बनकर देश में आई है वो आपत्तिजनक या इस पे लोगों को ठेस आहत पहुंच रही है? देखिए, जो वहां घटा उसका माहौल तो पहले ही बना दिया गया, जब बार बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया, जब अयोध्या के अंदर ही सफदर आसमी का जो ग्रुप था, सफदर हाशमी का, जिसने HRD मिनिस्ट्री के फंड से एक प्ले किया जिसमें बताया कि सीता तो राम की बहन थी, इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा हिंदू भावनाओं का अपमान और कुछ हो नहीं सकता था। और उसकी परिणति, जब आप ऐसा अपमान करेंगे तो उसकी परिणति तो इसी प्रकार की स्वाभाविक थी। हाँ, ये जरूर है कि उस समय पर अगर इन चीज़ों की सावधानी बरती जाती तो शायद वार्ता के द्वारा इसका रास्ता निकल आता, लेकिन उस समय आप लोग नहीं थे। जो हमारा सबसे बड़ा कष्ट था कि मीडिया में प्राइवेट मीडिया नहीं था। आज आप हो तो हमें अपनी बात कहने का मौका दे देते हो, आपकी अदालत में जो हमें मौका मिल जाता है अपना पक्ष रखने का। सरकारी दूरदर्शन था, वो पूरे समय हमें गालियां देता था, अखबार वामपंथियों के कंट्रोल में थे पूरी तरह से और वो हमें पूरे टाइम गालियां देते थे, हमारे को हिंदू होने की गाली देते थे, राम का नाम लेने पर गाली देते थे। इस देश में उन्होंने राम का नाम लेना और हिंदू होना, हम खेद सहित हिंदू थे, वी आर अपोलोजेटिक टू बी अ हिंदू, वी आर अपोलोजेटिक टू बी द डिवोटी ऑफ राम, ऐसे उन्होंने माहौल बना दिया था लेफ्ट लोगों ने और जो वामपंथी लोग थे, और मीडिया पर पूरा अकेडमिया, इंटेलिजेंसिया, मीडिया और आर्ट और कल्चर पर वो कब्जा किए हुए थे, पूरे समय इंसल्ट कर रहे थे, पूरे समय इंसल्ट कर रहे थे। इसलिए आज तो आपकी वजह से अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई है कि हमारा पक्ष लोगों के सामने आ जाता है, आप तुरंत मेरे सामने यहाँ आ गए, देखिए ना, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका मिल गया। इसलिए आज स्थितियाँ दूसरी हैं, उस समय की स्थितियों की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि मीडिया, अखबार और अकेला सरकारी दूरदर्शन हमारी इमेज खराब करने में कसर नहीं छोड़ता था, और लोग हैं कि हमारा विश्वास करने में कसर नहीं छोड़ते थे, लोग हैं कि हमारा विश्वास किए जा रहे थे। मैं कहीं खड़ी हो जाती थी तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते थे, कनॉट प्लेस में कभी भीड़ नहीं होती। मैं एक दिन नरूला में पहुंच गई ऊपर आइसक्रीम खाने, तो नीचे हजारों लोग खड़े हो गए और नरूला का मालिक बोला कि आप थोड़ा जल्दी निकल जाइए क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ खड़ी। उस समय सोशल मीडिया नहीं था लेकिन लोगों का विश्वास हम पे था, और आज आप भी हमारे साथ हो तो हमारा विश्वास तो और मजबूत होगा। जब हम अपना पक्ष नहीं रख पा रहे थे तब भी लोग हमारे पक्ष को सही मानते थे, तो आज तो आप भी हमारे साथ हो। इसका देखिए, ये वो बात है जिसमें माननीय कोर्ट ने कहा कि साजिश थी, तो खुलने दीजिए ना बात। इसलिए जो बात माननीय कोर्ट ने कह दी हो उसके ऊपर मैं अभी कोई विवेचना करने लग जाऊँ तो मैं कोर्ट का अपमान करूंगी। इसलिए कॉन्स्पिरेसी थी, कौन कॉन्स्पिरेटर्स थे, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, माननीय कोर्ट इसकी फास्ट ट्रैक में सुनवाई करेगा, 2 साल में करेगा, टाइम बाउंड करेगा, वो बात खुलने दीजिए, उस पर मेरी टिप्पणी ठीक नहीं। मैं तो एक ही बात कह रही हूँ कि यहाँ सब खुल्लम खुल्ला था, मन वचन कर्म एक ही थे, भव्य राम मंदिर का निर्माण होना, साजिश तो तब करेंगे ना साहब जब मन में चोर होगा, यहाँ कोई चोर नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत अडवाणी जी ने 1990 में की, मंदिर और बाबरी विध्वंस के बाद अडवाणी जी का रिमार्क आया कि इट वॉज द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एक तरफ उसी जगह पे जहां आप खड़ी थी, यू आर प्राउड ऑफ द मोमेंट, दूसरी तरफ अडवाणी जी से दैट वॉज द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड इट इज नॉट समथिंग दैट वी वॉन्टेड टू हैपन। मैं अडवाणी जी के कहे पे कभी टिप्पणी नहीं कर सकती, उनका पक्ष आपको उनसे सुनना। मैं अपनी बात कह सकती हूँ, ये देश गाय का है, गंगा का है, राम का है, तिरंगा का है। इस देश में इनका अपमान जहां होते Z24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।